Hello students, today we are going to start our civics portion of social studies, that is chapter 1, what is democracy, why democracy. That means ki democracy kya hai aur democracy kyun zaruri hai. Overview, what is democracy, kya hai democracy, what are its features, iski visheshtayein kya hai. This chapter builds on a simple definition of democracy. Ab ye chapter basically based hai डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पे. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन. अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में डेमोक्रेसी के. द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इसका जो लक्ष्य है इस चैप्टर को पढ़ने का वो ये है कि हम इससे डेमोक्रेसी के विशेषताओं के बारे में जानेंगे. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर we should be able to distinguish a democratic form of government. और इस chapter को पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे कि actual में democratic form of government होती क्या है, क्यों ये different है दूसरे type of government से from a non-democratic government. Now, towards the end of this chapter, अब जब इस chapter के end तक पहुँचेंगे, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. तो हम एक broad idea के तरफ बढ़ेंगे, democracy के बारे में हम सारी चीज़ें जान जाएंगे, ठीक है, उसके features, actual definition, everything. Now, democracy is the most prevalent form of government in the world. Democracy is सबसे suitable form of government है पूरे world में today and it is expanding to more countries. और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है. बट वाई इज़ इट सो, पर क्यों, वॉट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्यों ये दूसरे तरीके की गवर्नमेंट से अलग है और बेहतर है. दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि क्यों ये अच्छी है, ज़्यादा बेटर है दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से. वॉट इज़ डेमोक्रेसी. You have already read about different forms of government. आपने अभी तक अलग अलग तरीके के forms of government पढ़े हैं, ठीक है, government के forms पढ़े हैं. On the basis of your understanding of democracy so far, अभी तक आपने democracy के बारे में क्या जाना. Mentioning a few examples, write down some common features of. अब कुछ examples के साथ आप को लिखना है features democracy के भी और दूसरे types of government के भी. Clear? Now, why define democracy? क्यों डिफाइन करना ज़रूरी है डेमोक्रेसी को. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट्स फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम एक ऑब्जेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो किया है मैरी ने. शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी. उसे इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन करना नहीं पसंद. एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. और वो चाहती है कुछ क्वेश्चन पूछना अपनी टीचर से. हर टीचर मैटिल्डा लिंगडो रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन. अब उसके सभी क्वेश्चन का आंसर उसकी टीचर देती हैं. एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन. और साथ में ही जो दूसरे क्लासमेट्स हैं, ठीक है, मैरी के, वो भी ज्वाइन करते हैं इस डिस्कशन को अबाउट डेमोक्रेसी. नाउ मैरी कहती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है. फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी. पहले हम क्या करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में. एंड देन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और उसके बाद हम मीनिंग जानेंगे डेमोक्रेसी की. आई मीन लॉजिकली शुडेंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड. क्या हम दूसरे तरीके से इसको नहीं समझ सकते. शुडेंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल. क्या पहले मीनिंग उसके बाद एग्जाम्पल नहीं आ सकता. लिंगडो मैडम आई कैन सी योर पॉइंट. मैरी के क्वेश्चन के बाद मैडम ने आंसर दिया कि मैं आपके पॉइंट को समझ रही हूँ. But that is not how we reason in everyday life. लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि हम everyday life में हम point लेते हैं, ठीक है, everyday life से. We use words like pen. हम जैसे words use करते हैं pen, rain और love. Do we wait to have a definition of these words? क्या हम इंतज़ार करते हैं कि इन words को हम define करें पहले कि बाद में use करें, ठीक है. Come to think of it. इसके बारे में सोचो. Do we have clear definition of these words? क्या हमारे पास clear definition है इन words के. It is only by using a word that we understand its meaning. जब हम इस word को use करते हैं तब हम उसके बाद उसकी meaning को जानते हैं. Mary, but then why do we need definition at all? तो फिर ऐसे Mary ने कहा कि तो फिर हमें तो definition की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए.
लिंग्डो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी। हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम किसी डिफिकल्टी में, ठीक है, समस्या में फंसते हैं। इन द यूज़ ऑफ वर्ड, जब हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड को, वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली। हम जैसे रेन की डेफिनेशन तभी हमें चाहिए व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम, जब हमें रेन को अलग बताना होता है डीजल या क्लाउड बर्स्ट से। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, इसी तरह डेमोक्रेसी के साथ भी है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। हमें क्लियर डेफिनेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है, अलग अलग तरीके में। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी, और अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट भी अपने आप को डेमोक्रेसी कह देती हैं। तो इसके लिए डेमोक्रेसी को अलग बताने के लिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। रीबियन, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन क्यों जानना है। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, आपने एक दिन बताया था कि अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मीन्स डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है लोगों की, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल आवर सेल्फ, मेघालय में हमेशा हमने अपने खुद को रूल किया है। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और जो कि सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड भी है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, हमें इसको चेंज करने की क्यों ज़रूरत है। लिंगडो मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं कह रही कि इसे चेंज करना है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, मैं खुद ये मुझे खुद ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छी लगती है। बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवर सेल्फ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे इस तरह से डिफाइन करना ठीक है जब तक कि ये हमारे ऊपर भी, जब तक कि हम खुद ना सोचें इसके बारे में। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, हमें कोई भी चीज़ ऐसे एक्सेप्ट नहीं करनी लेनी चाहिए कि वो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट, और इस सिर्फ इसलिए कि सभी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी भी तरह के डेफिनेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से, इसे डिराइव किया गया है, जो है डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल मीन्स लोग, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो चलाई जाती है लोगों के द्वारा। नाउ दिस इज द करेक्ट मीनिंग, यही सही मीनिंग है। वेयर इज द नीड टू डिबेट, क्यों इस बात पे डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में इतनी डिबेट हो रही है। लिंगडो मैडम, दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये भी बहुत हेल्पफुल मीनिंग जानने के लिए, ये मैटर अगर इसके बारे में हमें सोचना है तो ये बहुत सही है, ठीक है, हेल्पफुल तरीका है। आई वुड से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये हमेशा काम नहीं करता। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, एक वर्ड हमेशा अपनी ओरिजिन के साथ नहीं बंधा हुआ रहता। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर है, ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, जब कंप्यूटर बना था तो इसका यूज़ सिर्फ कंप्यूटिंग वर्क के लिए करते थे, ठीक है, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है उसके लिए। दैट इज टू से कैलकुलेटिंग, जैसे कि कैलकुलेशन वर्क हो गया, वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम, और जो बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स होते थे उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता था कंप्यूटर्स का यूज़। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, और ये जो कंप्यूटर्स थे पहले तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैलकुलेटर्स के रूप में यूज़ किए जाते थे। बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम, लेकिन आज के दिन में, ठीक है, अभी के समय में अगर देखें तो बहुत ही कम लोग इस कंप्यूटर का यूज़ कंप्यूटिंग सम्स में, मीन्स कैलकुलेशन वर्क में करते हैं। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, अब कंप्यूटर का काम यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि कुछ लिखना हो, डिज़ाइनिंग वर्क हो, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक, गाना सुनना हो, एंड वॉचिंग फिल्म और मूवी देखना हो। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, तो ये इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि जो वर्ड होते हैं वो तो सेम रहते हैं, जैसे कंप्यूटर पहले भी कंप्यूटर था, आज भी कंप्यूटर है, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है टाइम के साथ। पहले कैलकुलेशन वर्क के लिए यूज़ होता था और अब अलग अलग टाइप के काम के लिए यूज़ होता है। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड,
इसीलिए कभी भी ओरिजिन के साथ इंटैक्ट नहीं होता है पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो ये यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए कि हम उसके ओरिजिन से देखें कि डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था। तो इसका मतलब ये ना, मैरी क्या कहती है, मैरी मैम सो बेसिकली वॉट यू आर सेइंग इज दैट देर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग। तो आप बेसिकली यही कहना चाह रही हैं कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है ये सोचने का। और अबाउट द मैटर्स आवर सेल्फ वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग, हमें इसकी मीनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, और उसके बाद हमें डेफिनेशन डिराइव करनी होगी। लिंडो मैडम यू गॉट मी राइट, अब तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ, अब हम इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन, लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग गवर्नमेंट। अब हम दोबारा उस डिस्कशन पे चलते हैं कि जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, सिमिलैरिटीज क्या हैं और क्या डिफरेंसेज हैं। दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज, मीन्स जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताती हैं, तो उनमें क्या समानता है डेमोक्रेसी से और क्या अंतर है। नाउ वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, एक सिंपल फैक्टर जो सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कॉमन होगी वो ये है कि द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के द्वारा बनाई गई होगी, चुनी गई होगी। वी कुड डस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, इसलिए हम एक सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो रूलर हैं वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, और ये बहुत ही हेल्पफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। अब ये डेफिनेशन हमें हेल्प करती है कि जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग कर सकें डेमोक्रेसी को अलग तरीके के गवर्नमेंट के साथ। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के वो लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। Those who happened to be in control of the army became the ruler of the country. अब जो लोग, इसमें क्या होता था कि जो लोग आर्मी के में कंट्रोल में रहते थे, ठीक है, आर्मी के कंट्रोल में, वो क्या करते थे, रूलर बन जाते थे पूरी कंट्री के। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, इसमें जो कॉमन लोग हैं उनका कोई रोल नहीं रहता था। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इसी तरह जो डिक्टेटर हैं जैसे कि पिनोशेट चिली, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए नहीं थे। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की, ये मोनार्कियल गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल, जो किंग हैं सऊदी अरेबिया के वो रूल तो करते हैं, नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम, इसलिए नहीं कि लोगों ने उन्हें चूज किया हो देम टू डू सो रूल करने के लिए, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। लेकिन सिर्फ यही रीज़न था उनके रूल करने का कि वो एक रॉयल फैमिली में से बिलोंग कर रहे हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट, इसीलिए ये जो सिंपल डेफिनेशन है वो एडिकेट नहीं है, इनफ नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, ये हमें याद दिलाती है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों का ही रूल है एक तरह से। बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को अनथिंकिंग मैनर में यूज़ करते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी, तो हम हर एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देंगे जिसमें भी इलेक्शन हो रहे हैं। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो कि गलत होगा। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जैसे कि हम चैप्टर 3 में जब पहुँचेंगे तो हम ये जानेंगे कि जितने भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म हैं वो सभी अपने आप को डेमोक्रेसी कहना चाहेंगे, इवन इफ इट इज़ नॉट सो, जबकि वो होंगे भी नहीं। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट, इसीलिए हमें अंतर पता होना चाहिए किसके बीच में, एक गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है एक्चुअली, और वो गवर्नमेंट जो प्रिटेंड कर रही है, एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड, अब ये हम कैसे कर सकते हैं, हर एक वर्ड को अच्छे से समझ के इन दिस डेफिनेशन केयरफुली, जो कि इस डेफिनेशन में हैं उसको हमें केयरफुली समझना होगा, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं वो भी जानना। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी,
We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने स्टार्टिंग की थी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ, जिसमें ये बताया गया कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, कॉमन लोगों के द्वारा. नाउ दिस रेजेज मैनी क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. अब इसमें रूलर्स कौन हैं, ठीक है, इस डेफिनेशन में. विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, कौन से ऐसे ऑफिशियल हैं जिनको चुनना है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिससे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोली जा सके. विच डेफिनेशन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल, और कौन से डिसीजन ले सकते हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल हैं इन द डेमोक्रेसी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा. वॉट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, क्या कंडीशन होंगी जिसको पूरी करनी होगी एक ऐसे इलेक्शन के लिए जिसको कंसीडर किया जा सके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, वो कौन लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे रूलर्स को और गेट इलेक्टेड एज रूलर, या फिर रूलर की तरह ही चुने जाएंगे. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, क्या हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक इक्वल बेसिस पे इसमें इंक्लूडेड है. कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन को एग्जेम्प्ट कर देता है इस राइट से. फाइनली जो क्वेश्चन है, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, अब किस तरह की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी एक्चुअली. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन द डेमोक्रेसी, क्या जो रूलर बन जाते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो चुने जा चुके हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो. और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है, उनके फंक्शन में कुछ लिमिटेशन होती हैं. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्या ये ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में कि सभी सिटीजन्स की जो राइट्स हैं, सभी नागरिकों के जो अधिकार हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, अब हम इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे, कंसिडर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेट अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप स्टार्ट किया, ठीक है, इन अक्टूबर 1999. ही ओवर थ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उन्होंने स्टेट किया कि इनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है. एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद को डिक्लेयर किया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव. लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेजिडेंट, और उसके बाद उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन चेंज की टू प्रेजिडेंट. एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री, और 2002 में उन्होंने रेफरेंडम ली कंट्री में, दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, जिन्होंने इन्हें 5-year एक्सटेंशन प्रोवाइड की, ठीक है, रूलिंग के लिए. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन, अब जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने क्लेम किया, ठीक है, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जितने भी थे उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम है वो बेस्ड है ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, गलत तरीकों के काम से और फ्रॉड से, ठीक है, उस पर बेस्ड है. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उन्होंने इशू किया लीगल फ्रेम ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था पाकिस्तान के, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अब इस ऑर्डर के मुताबिक द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रेजिडेंट है मीन्स मुशर्रफ, वो क्या कर सकते हैं, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो काम है सिविलियन कैबिनेट का उसका सुपरविजन करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री पावर, जिनका कंट्रोल है, जिनको कंट्रोल जो मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसके कंट्रोल के अंडर में है, मिलिट्री ऑफिसर्स की. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, तो इलेक्शंस हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में. सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, जो इलेक्ट हुए, ठीक है, इसमें इलेक्शन के बाद
जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए उनके पास कुछ पावर थी, बट द फाइनल पावर्स रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स. लेकिन अभी भी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास है, और जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, दैट मीन्स जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, उनके पास है पावर्स. जो अभी इलेक्टेड हैं उनके हाथ में कुछ ही पावर्स हैं, और जो ओवरऑल पावर दी है वो है खुद मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास. क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. तो इन सारे रीजन्स को देख कर ये बोला जा सकता है कि इनकी जो गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेसी नहीं है. बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज. लेकिन एक पे फोकस करें अगर, ठीक है, वी कैन से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो हम देख सकते हैं कि रूलर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा इन पाकिस्तान. नॉट क्वाइट, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव. लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए टू हैव नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में. बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो उन्होंने चुने हैं रिप्रेजेंटेटिव वो नॉट रियली द रूलर्स. वो रूलर्स नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनके पास तो कुछ ही राइट्स हैं. सारे राइट्स तो मुशर्रफ के पास है जो कि प्रेजिडेंट है, और मिलिट्री रूलर्स के, मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास है. नाउ दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. अब ये जो इलेक्टेड वन है वो फाइनल डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हैं. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल. अभी भी जो फाइनल डिसीजन है वो किसके पास है? आर्मी ऑफिशियल्स के पास है, एंड विद जनरल मुशर्रफ, और जनरल मुशर्रफ के पास है. एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल. और ये दोनों ही लोगों के द्वारा तो नहीं चुने गए हैं डायरेक्टली. दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज. यही होता है सारे डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और मोनार्कियल गवर्नमेंट में. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. उनके पास फॉर्मली तो इलेक्टेड पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. लेकिन जो रियल पावर होती है डिसीजन मेकिंग वाली पावर, वो किसके पास होती है? जो इलेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है. नाउ इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स. जो पावर्स थी, रियल पावर, वो एक्सटर्नल पावर्स के पास थी, जैसे कि अभी हमने देखा, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास पावर नहीं है. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल. अब इसे तो पीपल्स रूल नहीं कहा जा सकता. दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर. अब यहीं से हमें अपना पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पहली विशेषता मिलेगी. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, मीन्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो किसको मिलनी चाहिए? मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. ये पावर उन्हीं को मिलनी चाहिए जो लोगों के द्वारा, जो रूलर्स हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए. नाउ रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट फर्दर इन नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.